वे मैं हूं सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोज़ लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VPN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी प्ले स्टोर से। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको इसे कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको बाहर को आ जाना है। यहाँ पर गाइस आपको अपने मोबाइल में CapCut ऐप डाउनलोड करनी है। ये कैसे डाउनलोड करोगे इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। जब ये दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपने VPN कनेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर अब आपको CapCut ऐप ओपन करनी है। CapCut ऐप ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस थोड़ा हैंग सा चल रहा है ये। करने के बाद फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपको एक अपनी फ़ोटो ऐड करनी है, जिस फ़ोटो पर आप ये वाली वीडियो बनाना चाहते हो। एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क पे क्लिक करके आपको इसे डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट, फॉर्मेट पर क्लिक करना है। 9:16 वाला साइज़ लगा के अपने फ़ोटो को स्क्रीन पर सेट कर लेना है जूम करके, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसमें फ़ोटो की लेंथ को बड़ा करना है, तो कितना बड़ा करोगे, यहाँ पर करीब 8 सेकंड का आपको फ़ोटो कर लेना है। अब आपको इसमें म्यूज़िक ऐड करना है। म्यूज़िक ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड ऑडियो पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है और आपको ये वाली वीडियो का म्यूज़िक लगा देना है। इसका लिंक मिल जाएगा आपको मेरी वेबसाइट पर। यह कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पर म्यूज़िक लगा दिया। अब आपको इफ़ेक्ट वगैरह लगाने हैं, तो इफ़ेक्ट वगैरह गाइस आप कौन से लगाओगे। एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से इफ़ेक्ट लगाने हैं। उससे पहले आपको अपने फ़ोटो में स्प्लिट लगाने होंगे, तो स्प्लिट आपको किस किस टाइम पर लगाने हैं मैं आपको टाइम थ्रू बता देता हूँ। आप यहाँ से देखकर अपने फ़ोटो में स्प्लिट लगा लो। सबसे पहले आपको 2 फिंगर से वीडियो के लेयर को फुल जूम कर लेना है। फुल जूम करने के बाद यहाँ पर देखिए गाइस, आपको मैं टाइम थ्रू बताता हूँ, ऐसा आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी 01 आ रहा है, 01 सेकेंड, 01 सेकेंड के बाद यहाँ पर जो आपको मिलेगा 15F, ठीक है। 01 सेकेंड के बाद 15F, फर्स्ट वाला स्प्लिट आपको यहाँ करना है फ़ोटो पर। स्प्लिट कैसे करोगे, फ़ोटो पर क्लिक करके नीचे स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्प्लिट आपको कहाँ करना है, देखिए 02 है, 02 के बाद 10F है, यहाँ पर आपको एक स्प्लिट करना है सेकेंड वाला। थर्ड स्प्लिट आप कहाँ करोगे, थर्ड स्प्लिट आपको यहाँ करना है गाइस, 04 है, 04 04 से पहले 25F आपको थर्ड स्प्लिट करना है। फोर स्प्लिट आप कहाँ करोगे, 04 के बाद जो 10F है, 4 स्प्लिट आपको यहाँ करना है। 5 स्प्लिट आप कहाँ करोगे, तो 5 स्प्लिट बता देता हूँ मैं आपको, 06 से 06 के बाद जो यहाँ पर ये डॉट के आगे यहाँ पर आपको स्प्लिट करना है 06 के पास, ठीक है, 5 स्प्लिट। और 7 नंबर का स्प्लिट आपको करना है गाइस यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ टाइम थ्रू, 07 है ना, 07 का आगे जो 15F है, 7 वाला स्प्लिट यहाँ करना है, जो भी 6 नंबर का 7 नंबर का मैंने आपको टाइम थ्रू बता दिया। अब आपको लास्ट वाला स्प्लिट यहाँ करना है 08 पे, 08 से पहले जो यहाँ पर डॉट है इसके पास, ठीक है। अब आपको इसमें इफेक्ट कौन से लगाने हैं, तो सबसे पहले ब्लर वाला इफेक्ट लगाना है। नीचे इफेक्ट पर क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मारने के बाद सेकंड नंबर पे जो ब्लर है डायमंड जूम वाला, आपको ये वाला इफेक्ट लगा के नीचे एडजस्ट पे क्लिक करना है। साइज़ भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, इंटेंसिटी भी थोड़ी सी बढ़ा देनी है, और इसकी जो लेंथ रहेगी ना ये आपको फर्स्ट वाले स्प्लिट तक रखनी है, जैसे फर्स्ट वाले स्प्लिट तक रखनी है। इतना काम खत्म हो गया। अब आपको इसमें दूसरे इफेक्ट लगाने हैं, तो बैक करना है। यहाँ पर आपको सेकेंड वाले वीडियो पार्ट पर आना है। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट वाले वीडियो पार्ट पर आना है। नीचे एनिमेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर मिलेगा आउट, आउट पे क्लिक करके आउट में आपको मिलेगा मिनी जूम नाम का इफेक्ट। जूम इन भी लगा सकते हो आप, मिनी जूम भी लगा सकते हो। मिनी जूम लगा के इसकी सब लाइन सबको फुल कर देनी है आपको। फर्स्ट वाले में ये वाला हो गया। सेकेंड पर क्लिक करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा रोक वर्टिकली नेम का इफेक्ट, लगा देना है सेकेंड वाले में, ठीक है। सेकेंड वाला हो गया। अब आपको थर्ड नंबर पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आउट पे क्लिक करके मिनी जूम लगाना है इसमें भी थर्ड नंबर पे। फोर नंबर पे आपको लगाना है इसमें से, फोर नंबर के फ़ोटो पर क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, इन पर क्लिक करना है,
यहाँ पर आपको लगाना है जूम वन वाला इनमें से 4 नंबर पे। 5 नंबर में आपको कौन सा लगाना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, आउट पे क्लिक करना है। 5 नंबर में आपको मिनी जूम लगाना है, ठीक है। 6 नंबर में आपको कौन सा लगाना है, 6 नंबर पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, इन पर क्लिक करना है। 6 नंबर पे आपको जूम वन लगाना है। 7 नंबर पे कौन सा लगाना है, 7 नंबर पे क्लिक करना है, एनिमेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको इनमें से लगाना है, ठीक है, जूम वन वाला। और लास्ट वाले में आपको इसमें से लगाना है, एनिमेशन पे क्लिक करके, आउट में क्लिक करके, मिनी जूम वाला लगाना है लास्ट वाले फोटो में भी। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई, उससे पहले आपको एक काम और करना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, जो भी फोटो आपने स्प्लिट करोगे उनके बीच में ये आई बटन जैसा निशान आ रहा होगा, तो जैसे फर्स्ट वाले आई बटन को छोड़ देना है, सेकेंड वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आपको मिलेगा लाइट वाला ऑप्शन, लाइट वाले पर क्लिक करके यहाँ पर आपको ब्लेंच वाला इफेक्ट लगा देना है, ठीक है, इस वाले ये सेकेंड वाले आई बटन पर। थर्ड वाला आई बटन छोड़ देना है आपको, फोर वाले पे यही लगाना है। फाइव वाले पे आपको देखता हूँ मैं, फाइव वाले पे भी यही लगाना है। सिक्स वाला छोड़ देना है, सेवन पे आपको यही लगाना है, ठीक है। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसी लग रही है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। सो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आए लाइक ज़रूर से करना। अब बात करते हैं गाइस आप ये मटेरियल डाउनलोड कैसे करोगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, मटेरियल लिंक। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट वाली वेबसाइट में जाना है आपको, वहाँ पर ये वाली वीडियो का पोस्ट मिल जाएगा। उस पोस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐप लिंक भी मिल जाएगा, म्यूज़िक लिंक भी मिल जाएगा, और आपको ये मतलब जो भी इसमें मटेरियल होगा सब कुछ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। फिर यहाँ से वीडियो सेव करने के लिए ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।